नहीं नहीं दाजीराज, वापस ले लीजिए इसे दाजीराज। रावत जी, इस समय हम किसी से नहीं मिलना चाहते, इसलिए हमारे कक्ष में कोई ना आने पाए। जी राणा जी। दाजीराज, 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 हम आपसे कुछ बात करना चाहते। दाजीराज, कहां जा रहे हैं आप? ये उचित समय नहीं है राणा जी से बात करने का। इस समय आपके दाजीराज बहुत उद्विग्न हैं। परंतु रावत जी, यदि हम इस समय बात नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। दाजीराज, एक बार हमारी सुन। दाजीराज, हमारा विश्वास कीजिए। रावत जी, बात विश्वास और विश्वास की नहीं है, बात हमारी छोटी माँ की है। हमें जाए। हमारी बात तो सुनिए, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, किंतु ये उचित समय नहीं है राणा जी से बात करने का। तो रावत जी, आपके ताजीराज स्वयं मना कर चुके हैं किसी से भी मिलने के लिए। अब आप ही बताइए बाऊजीराज, हम क्या करें? हम राणा जी से बात करेंगे धीरभाई जी, हम सचमुच राणा जी से बात करेंगे। और उससे क्या होगा? हमारा अनर्थ आपके जो मौन ने कर दिया है, क्या वो मौन अपनी प्रकृति बदलेगा? क्या खेल खेला आपने? बहुत अच्छा खेल खेला। जब राणा जी हमें मृत्यु दंड दे रहे थे, तब चुप रहकर आपने एक बात को साबित कर दिया, आप बहुत ही पहुंची हुई कूटनीतिज्ञ है, बहुत पहुंची हुई। बिजोलिया में आपकी राजनीतिक और कूटनीतिक कार्यों को तो हमने देख ही लिया था, पर उसका प्रयोग आप हमारे परिवार में करेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। एक बात नहीं समझ में आई जीजा, आपने सच क्यों नहीं बता दिया राणा जी को कि वो हम ही थे जिसने हर बार आपके विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, आपके पुत्र प्रताप को मारने का प्रयास किया है, एक बार नहीं बार बार किया है। क्यों नहीं बताया राणा जी को? नहीं बता पाए तो हम बता देते, हम ले चलते हैं आपको राणा जी के पास, बता दीजिएगा सब कुछ। जिसको मृत्यु दंड मिला हो, उसके पापों को क्या ढकना, हम पर तरस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है जीजा। चलिए और राणा जी को सब सच बताइए। बंद कीजिए अपना यह स्वांग धीरभाई जी। यदि आपको लगता है ये राणा जी के इस निर्णय के लिए हम उत्तरदायी हैं, तो फिर एक बार भूल कर रही हैं आप, बात का मर्म ही नहीं समझ रही हैं आप। कोकैया जी ने जिसे अपने प्राण देकर सिद्ध कर दिया, उस अपराध की भयावहता ही नहीं समझ रही हैं आप। बार बार हमने आपको रोकना चाहा, समझाया, पर क्या हुआ? सच तो ये है, बिजोलिया में आपने जो जो किया, उससे आपके पापों का घड़ा इतना भर गया था कि हम अपने प्रयासों से उसे ढक भी नहीं पाए। ये घड़ा आज फूटना ही था धीरभाई जी। और यदि आप ऐसा समझ रही हैं कि हम आपको बचाने के लिए इसलिए सहायता कर रहे हैं कि आपके लिए हमारे मन में कोई सहानुभूति है, तो और एक भूल कर रही हैं आप। कोई सहानुभूति नहीं है हमारे मन में आपके लिए, आपने वही पाया है जो आपने बोया था। पर इस सब के बाद भी आप कुंवर प्रताप की छोटी मां हैं, जिसे बहुत चाहते हैं वे, बहुत मानते हैं वे, मां मानते हैं वो आपको अपनी, हमसे भी अधिक स्नेह रखते हैं आपके लिए मन में। मात्र इसीलिए हम सदा आपका असली रूप उनसे छुपाते आए हैं, ताकि उनके मन में अच्छाई की जो एक तस्वीर बन चुकी है, करुणा और स्नेह की जो मूरत बन चुकी है, वो कहीं टूट ना जाए, आस्था ना उठ जाए उनकी भलाई से कहीं। क्योंकि आज भी
आप कुंवर प्रताप के लिए उनकी छोटी माँ हैं, जिसे बचपन से चाहा है उन्होंने। सचमुच माँ मानते हैं वो आपको। उन्हें क्या पता कि माँ के सच्चे अर्थों से आप कोसों दूर हैं, कि आपने एक शिकारी के भांति सदा उन्हें अपना मनपसंद शिकार भर समझा। से भूलूं, अनजाने में देशद्रोह जितना बड़ा अपराध हो गया, पर क्या उसके लिए आप हमें फांसी पे लटकने देंगे? नहीं ना कुंवर प्रताप, हमें अपने अपने जीवन का मोह नहीं है, पर हमारे कुंवर जगमाल का क्या होगा, आपका क्या होगा? भुला पाएंगे अपनी झूठी माँ को, रह पाएंगे अपनी झूठी माँ के बिना? वो स्नेह, वो प्यार जो हमने साथ में अनुभव किया है कुंवर प्रताप, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए कुंवर, हमें बचा लीजिए। हम नहीं चाहते कि आप पूरा जीवन अपराध बोध के तले दबे रहे। कि जब आपकी छोटी माँ को आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब आप उनकी सहायता नहीं कर पाए। हम जानते हैं ना कि कुंवर शक्ति जब यहां से गए तो आप कितने दुखी हो गए थे। हम जानते हैं कि परिवार आपके लिए क्या अर्थ रखता है, हम आपके लिए क्या अर्थ रखते हैं। हमें बचा लीजिए, ऐसा कुछ करिए कुंवर प्रताप, पर अपनी छोटी माँ को बचा लीजिए। नहीं छोटी माँ, हम भी आपके बिना नहीं जी पाएंगे। हम आइए हमारे साथ छोटी माँ। अगर आप हमारे कक्ष में नहीं आएंगे तो हम आपके इस भीनी भीनी सुगंध में कैसे खाएंगे? सुगंध वाली रानी, दाजीराज राजीराज, छोटी माँ को क्षमा कर दीजिए ना। राजीराज एक बार उन्हें सुन तो लीजिए, पता तो चले कि उन्होंने जो कुछ भी किया किस लिए किया। राजीराज हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपसे विनती करते हैं, छोटी माँ को क्षमा कर दीजिए। इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे। राजीराज कुंवर प्रताप, हमें सरल और मनप्रिय मार्ग चुनने का प्रलोभन मत दीजिए। विश्वास कीजिए, हमारा जो निर्णय हमने लिया है वो हमारे जीवन का बहुत कठिन निर्णय है।
कुंवर प्रताप जाइए अपने कक्ष में। कुंवर प्रताप हमने कहा उठिए और अपने कक्ष में जाइए। दाजीराज इसका अर्थ ये हुआ कि आपने छोटी माँ को क्षमा कर दिया। छोटी माँ आपने सुना अभी दाजीराज ने क्या कहा? कुंवर प्रताप हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। जाइए यहां से आप। ठीक है दाजीराज हम जा रहे हैं परंतु आप अपने इस निर्णय पर पूर्ण विचार तो करें। कुंवर प्रताप चिंता मत कीजिए छोटी माँ हमें पूरा विश्वास है कि दाजीराज थोड़ा समय लेंगे परंतु वे अपनी दंड की भयावहता पर पुनर्विचार अवश्य करेंगे। छोटी माँ हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पूछ लो अपने आंसू शशि हमें कोई मृत्यु दंड नहीं दे रहा। तो क्या राणा जी ने आपको क्षमा कर दिया? रानी सा किया नहीं है पर कर देंगे। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये उनका अंतिम निर्णय है यानी संभावना है उनके पुनर्विचार की और इसी संभावना की खिड़की का एक बार हमें सोच समझ कर उपयोग करना है जो हमारे जीवन दान के लिए खुली है। हमारा श्रृंगार करो भरपूर श्रृंगार करो हमें इतना सजा कि हम जीवन में पहले कभी इतना ना सजे हो क्योंकि इस बार हमें हमारे प्रेम के लिए नहीं जीने के लिए सजना है। जाओ शशि जाकर राणा जी को हमारा ये संदेश दे आओ। जी रानी साहब। रानी माँ आप इतनी शीघ्र आस क्यों छोड़ रही हैं? कुछ सोचिए रानी माँ कुछ कीजिए ना। अच्छा हम सब एक कार्य करते हैं हम सब दाजीराज के पास चलकर दया के लिए गुहार लगाते हैं। रानी माँ दाजीराज छोटी माँ के कक्ष में जा रहे हैं। हाँ प्रताप आशा करते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर एक बार। देखिए हमें राणा जी हमारी आंखों में देखिए क्या आपको हम प्राती लगते हैं? आप हमसे इतना कठोर इतना निर्मोही कैसे हो सकते हैं राणा जी? आप हमारे तन मन हमारी आत्मा से परिचित है राणा जी
आप चाहे तो हमारे तन मन को फिर से टटोल कर देख लीजिए। क्या आपको इस दंत से प्रेम की सुगंध का अनुभव हो रहा है या फिर देशद्रोह के अपराध की गंध आ रही है? तो ये वो महत्वपूर्ण बात है जो आप हमारे साथ बांटना चाहती थी। आप हमारे सौंदर्य के किसी भी अंग अनजान नहीं है, पर आज आपकी अनुभूतियों में इसी सौंदर्य से हम ऐसा तूफान जगाएंगे राणा जी, जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। हम जानते हैं धीर भाई जी, प्रेम के संबंध में आप जो जो बातें कह रहे हैं वो सभी बातें आप करके दिखाने की कला में संपूर्ण पारंगत है। और क्यों ना हो, देखिए अपने आप को, सुंदर, अति सुंदर। आइए हमारे साथ आइए। देखिए अपने आप को, सौंदर्य की परिकाष्ठा, प्रेम अनुभूतियों का सागर, संगमरमर की तरह उत्कृष्ट मूरत सा सांचे में ढला ये तन, जिसे देखकर किसी का भी मन फिसल जाए। कोई भी इन झील सी आंखों में डूबकर अपनी चेतना खो सकता है, कोई भी अपने धर्म से समझौता करने के लिए विवश हो सकता है। सौभाग्य है हमारा, यह आपका अलौकिक सौंदर्य हमें मिल गया। हम जानते थे कि आप चाहे कितना प्रयास क्यों ना करें, हमसे बहुत देर तक रूठे नहीं रह सकते। हमने तो हमारी दासी से भी कह दिया था कि बस एक बार हमारे राणा जी को हमारे पास ले आओ, फिर देखना कैसे चुटकी में हम राणा जी को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। कितना आत्मविश्वास है आपको अपने ऊपर। ऐसे एक बात कहें, इस पूरे महल में हमारे अतिरिक्त आपके व्यक्तित्व के सच को और कोई नहीं जानता। किसी और को जानने की क्या आवश्यकता है, आप जानते हैं, आप हैं हमारे पास तो सब कुछ है। हमें लगता है कि दूसरों को भी सौभाग्य मिलना चाहिए आपके भीतर के सच को जानने का, उन्हें भी तो पता चले कि कौन है आप। ऐसा करते हैं, इस कक्ष से बाहर चलते हैं। आइए धीर भाई जी। आइए यहां इस कक्ष में आइए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं। ये जो आज हमारे साथ खड़ी है रानी धीरबाई जी, इनको तो आप जानते ही, इनको ऐसा लगता है कि हम इस समस्त संसार के सबसे मूर्ख राजा हैं। इतने मूर्ख कि जिससे बड़ा मूर्ख राजा आज तक इस संसार में जन्म नहीं लिया। क्यों धीरबाई जी, सच कहा ना आपने? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं राणा जी? ये तो हमें बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था धीर भाई जी। क्यों बुलाया था आपने हमें अपने कक्ष में
उत्तर दीजिए धीर भाई जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों बुलाया था आपने हमें अपने कक्ष में? ताकि हम आपको देखते ही आपके सभी अपराधों को भूल जाए, आपको गले लगा के आपके सभी अपराध क्षमा कर दें। यही सोचा था ना आपने कि हम आपकी मीठी मीठी बातों में आ जाए। ये पैसे अगर आप ये सोच रहे थे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। आपने जो दंडनीय राजद्रोह किया है उससे हमारे मन में आपके लिए कोई स्थान नहीं है धीर भाई जी। ये बात आप ध्यान से सुनिए, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी जो हमने आप पर इतना विश्वास किया, आपको इतना प्रेम दिया। हमारी इसी भूल ने आज आपको बेलगाम कर दिया, इतना बेलगाम कि आपको आपका अपराध अपना अपराध नहीं लग रहा। जो भी आपने कक्ष में कहा वही ढो जो आप हमारे साथ आज तक करती आई। बहुत चतुराई से आपने हमें अपने कक्ष में बुलाया ताकि हम आपके चाल में इस बार जो आपने कार्य किया है उसके लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा।